हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत शाम को 4 बजे, क्योंकि हम आधे घंटे में निकल रहे हैं फॉर गोवा। आज हमारी ट्रेन है फ्रॉम पुणे टू गोवा, और बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड सोन बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अभी थोड़ा काम है, कुछ सामान लेके आना है, वो लेके आऊँगा, एंड देन वी विल गो टू द स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। बट या वेलकम बैक टू द व्लॉग। ट्रेन का आउटफिट हाफ शर्ट एंड शॉर्ट्स। चलो भाई, सामान तो मैं लेके आ गया, थोड़ी दवाइयाँ लेनी थी, और अब वेट करेंगे सुकदा का और मेरी बहन का। हम सब साथ में जा रहे हैं, इट्स अ फैमिली ट्रिप, सबका वेट करेंगे। जैसे सब आएंगे देन वी विल गो टू द स्टेशन। पहुंच गए हम लोग रेलवे स्टेशन पे, और अभी तक प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग ब्रिज पे ही खड़े हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म डिसाइड होगा फिर हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। क्या रे, तेरी पहली ट्रेन है इतनी बड़ी? हाँ, इतनी बड़ी मैंने, इतनी लंबी, आई मीन मतलब 12 घंटे की जर्नी पहली बार कर रही ट्रेन। पहली बार, लास्ट टाइम दिल्ली टू पठानकोट किया था, दैट वाज 6 आवर्स। नहीं तो पुणे टू मुंबई, बस इतना ही। मजा आएगा देखो, स्पेशली आते वक्त की जो ट्रेन है उसमें दूध सागर फॉल्स देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेगा, बट यहाँ मजा आने वाला है। तो ट्रेन 1 घंटा लेट है, तब तक हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे एक कैफे है और मस्त चाय पी के आएंगे। बाकी सब लोग स्टेशन पे खड़े हैं, मैं और सुकता जा रहे हैं, तो देखते हैं, मजा आएगा, अलग एक्सपीरियंस थोड़ा। हाँ, आराम से, और हम पुणे मेट्रो में पहली बार बैठेंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रहा प्लेटफॉर्म, पुणे रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। हमें जाना है रूबी हॉल, जो कि है नेक्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन, इसके आगे मेट्रो है ही नहीं, राइट? आ गए अपन, कहाँ पे है? एक स्टेशन, लिटरली 5 मिनट बैठे हम मेट्रो के अंदर, बट वॉज वेरी गुड, क्योंकि पुणे इज वेरी गुड। और पुणे में जैसे पूरा ट्रैफिक दिख रहा था, तो मजा आ रहा था, ये ट्रैफिक में फंसने से अच्छा। हाँ, सी पीपल विल यूज द मेट्रो, ये बोल रहे थे कि मेट्रो यूज नहीं करेंगे पुणे में, बट करेंगे, क्या मन बनाया है। अभी जैसे बाइक निकालो चलो कहीं भी, ऐसा नहीं, आज कल ट्रैफिक बढ़ गया भाई। बट चलो, अभी जाएंगे, एक मस्त कप चाय पियेंगे और फिर रिटर्न जाएंगे, ये मेन एक्सपीरियंस करना था मेट्रो, इसलिए हम लोग आए। चलो भाई, पहुंच गए ये साइड पे, और इधर पीछे ही कैफे है, लाइक एकदम परफेक्ट डिसीजन था हमारा कि एक स्टेशन मेट्रो से आ गए। रिक्शा या कैसे भी आने को कम से कम 15 मिनट गया था, मेट्रो में हम 5 मिनट में पहुँच गए। मस्त चाय और बन मस्त खाएंगे, एंड देन वी विल लीव बैक टू आर स्टेशन। लोग हॉर्न क्यों मारते यार? और ये रहा कैफे ओमान। खा के हो गया, टाइम टू गो बैक टू मेट्रो। हमारे पास 20 मिनट है और, बट मुझे लगता है हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्या रे, 10 मिनट पहुँच जाएंगे? एक ही स्टेशन है यार, होपफुली 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम लोग बहुत कट टू कट होएगा, बट इट्स फाइन, इसी में मजा है, थ्रिल में ही मजा है। क्या रे, बट शायद 7 बजे भी आ सकते हैं। हाँ, ट्रेन और डिले भी हो सकती है, पता नहीं, ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि 20 मिनट है, और ऑनलाइन को भरोसा करेंगे और जाएंगे। पहुंच गए फाइनली, और अब भाग रहे हैं क्योंकि ट्रेन जस्ट आने ही वाली है, पर मजा आया भाई, नेक्स्ट लेवल, लेट्स गो। पहुंच गए ट्रेन के अंदर, बहुत ज़्यादा लेट थे ना, 2 घंटा लेट हम लोग मेट्रो, 3 घंटा ना हम लोग जाके आए, उसके बाद भी 1 घंटा लगा हुआ है। 6:30 को हम लोग मेट्रो से आए, मतलब थोड़ा और टाइम पास कर लिया रहता, वहाँ पे तो चला रहता, बट हम भागते भागते हमको लगा ट्रेन मिस हो गई और लेट, इट्स फाइन। फिलहाल हम निकिता और प्रिशा को मिलने आए हैं, उनके फर्स्ट एसी में, लाइक अपर लेवल, ज़्यादा पैसा ज़्यादा उनके पास, हम लोग सेकंड एसी में गरीब लोग। फाइनली पहुंच गए हैं मडगांव सुबह सुबह, एक्चुअली हम 6 बजे पहुंचने रहे थे, बट 10 बजे पहुंचे हैं, तो ट्रेन 4 घंटा लेट थी भाई साहब। ट्रेन भी दूध सागर दिखाना चाहती थी। हाँ, ट्रेन एक्चुअली हमको बोल रही थी कि दूध सागर देख के जाओ, सो या बढ़िया, एनीवे पहुंच गए फाइनली मडगांव। दूध सागर देखे कैसा लगा? पैसा वसूल हो गया तुझे, एपिक, सुबह उठ के मजा आया कि 6 बजे उठ के। अब यहाँ से हम उबर बुक करके जाएंगे हमारे एयरबीएनबी पे, हमने एयरबीएनबी बुक किया, एक बंगलो बुक किया है, सब वहीं पे रहने वाले हैं, लेट्स गो बुक एन उबर, और आई थिंक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे एयरबीएनबी तक, बट इट्स अ गुड थिंग कि हम लेट पहुंचे, क्योंकि एयरबीएनबी का चेक इन का टाइम भी हो चुका है, नहीं तो हमें सुबह कोई कैफे में जाके बैठना पड़ता, या तो अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती, बट अभी वो नहीं करना पड़ेगा,
डायरेक्ट बंगलोर में जा सकते हो। तो यहाँ पर पोपट हो चुका है, ओला उबर नहीं चल रहा है, इसलिए हम प्रीपेड टैक्सी बुक कर रहे हैं। लाइक मेरे डैड लाइन में खड़े हैं प्रीपेड टैक्सी की, वो बुक करके फिर हम जाएंगे एयरबीएनबी के लिए। एड्रेस मिल गया प्रॉपरली? अरे 1% बचा बैठे। हाँ तो मैं देखता हूँ। हाँ फाइनली बैठ गए गाड़ी में। एज यूजुअल मैं लास्ट वाली सीट पे हूँ, हम लोग 6 लोग हैं तो हमने बड़ी गाड़ी की है। लास्ट वाली सीट में बैठने का मजा ही कुछ और है। चलो भाई पहुंच गए हैं एयरबीएनबी पे और भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल प्रॉपर्टी है, लाइक वेरी गुड। फोटो में जो दिख रहा था उससे भी बेटर प्रॉपर्टी है, वी एब्सोल्युटली लव इट। आपको दिखाता हूँ वो प्रॉपर्टी, फिर आपको वापस मिलता हूँ। तो देखो अभी मैं फिलहाल ऊपर के फ्लोर पे हूँ, यहाँ पर एक रूम है, अल्ट्रा वाइड पे स्विच करेंगे। हाँ ये रहा रूम, ये रहा मैं एंड बाथटब, नाइस। अभी बाकी के रूम दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक और रूम, इसे भी अटैच्ड टेरेस है यहाँ पर, वेरी गुड। और अब चलते हैं नीचे के फ्लोर पे। हाय बोल। और ये नीचे का रूम और यहाँ पर बैठने का एरिया है, यहाँ पर बैठ जाएंगे मैं और सुखदा। हाँ पीछे गार्डन भी रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा ये काफी बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर गोवन स्टाइल होम है और एक सोसाइटी है बंगलोज की। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। किधर के सुखदा, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा प्रॉपर्टी, नाइस, वेरी गुड। तो अब ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। इसके आगे हम जो भी करेंगे गोवा में वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग से दिखाऊंगा। ये व्लॉग पूरा ट्रैवलिंग का था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। द इंटायर जर्नी वॉज वेरी डिफरेंट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सब कुछ। मेट्रो में जाना, फिर दूध सागर देखना, हाँ द इंटायर जर्नी वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बट बहुत मजा आया। और डेस्टिनेशन इज ऑल्सो वेरी गुड, सो जर्नी प्लस डेस्टिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट एनीवे अगर आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया तो नीचे लाइक बटन दबा दो, कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों का वीडियो शेयर करो और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब।